हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महा सीरीज का, जिसमें आपके लिए एक बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से आपकी तैयारी को 2023 में और 24 आने वाले एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो यूपीएससी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर राइटिंग, इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हैं। और दोस्तों, इसमें हम आपको बता देते हैं बेसिकली कि इसमें हमारे द्वारा अभी तक पॉलिटी और इकोनॉमी का पार्ट है उसको काफी हद तक कंप्लीट करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो अभी हम उसी पार्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो ये चल रहे हैं, और तो इसके अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के बेसिक चीजों को, और दोस्तों सबसे बड़ी पहले आप चाहे पीटीएस वीडियो देख सकते हैं हमारी, देख रहे हैं उनको, जो भी आप ये देख रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखो, हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चीजें डेवलप की है। कॉन्सेप्ट ज्यादा फोकस करा है हमने, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हम आपके कॉन्सेप्ट, हमारे टॉपिक का वैसे हमारे चैनल का नाम भी हमने कॉन्सेप्ट रखा है, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा ज़्यादातर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चीज़ रही है। हमने विश्लेषण किया जाता है चीज़ों का, आपको विश्लेषण करते हुए बताया, चाहे वो विजन की मंथली मैगजीन हो, चाहे वो आप पॉलिटी पढ़ो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट देखना आप, कोई भी चाहे एनसीआरटीज को देखो आप, एनसीआरटीज को बहुत अच्छे तरीके से हमने विश्लेषण किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से वहाँ प्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब चीज़ें जो हमने समझी है, सारी चीजें आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आप उन वीडियोस को देखें, समझने की पूरी कोशिश करें, अगर उसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज इसी सीरीज के अंतर्गत हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक दोस्तों प्रीवियस वीडियो में लगभग 8 वीडियो अब तक हम बना चुके हैं इस पे, और वो आपके साथ शेयर भी कर दिए हैं। और हमारा जो अभी तक जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नियोजित आर्थिक विकास, यानी कि हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत की, कि भारत ने अपना पिछले 70 वर्षों में जो विकास किया है वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब उद्देश्य था कि देश विकास किस दिशा में करेगा, इसके लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते थे और उनको अगले 5 वर्ष में प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की सरकार की नीतियां और उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा था। तो इस नियोजित आर्थिक विकास के अंतर्गत दोस्तों अभी हमने देखा था प्रथम पंचवर्षीय योजना को, देखिए दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और अगर इसको देखें तो जब भी कोई भी प्लानिंग आप पढ़ रहे हैं, उस योजना के पीरियड क्या था, उस योजना के उद्देश्य क्या थे और सरकार ने क्या क्या किया था, तो अगर इसकी बात करें तो 1951 से लेकर के 1956 तक थी, और इसका मुख्य उद्देश्य अगर मैं बात करूं तो मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास, कृषि विकास। और ये मैंने आपको बता दिया कि कृषि विकास को इन्होंने मुख्य उद्देश्य क्यों चुना, क्योंकि हमारी सबसे पहली जरूरत अगर हम देखें तो पहली आवश्यकता क्या होती है, आप जानते हो तो सब कि पहली आवश्यकता होती है पेट पूर्ति, यानी कि खाद्यान्न आत्मनिर्भर, क्योंकि अगर आप खाद्यान्न आत्मनिर्भर नहीं हो तब तक आप अदर काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए भारत के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहला लक्ष्य रखा गया था खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, यानी कृषि का विकास। लेकिन दोस्तों अगले 5 सालों में 1951 से लेकर के 1956 तक हमने बहुत बढ़िया काम किए और कृषि का विकास हुआ, कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ी। परंतु एक बात आप ध्यान रखना कि कृषि में आपको उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपके पास तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की बेसिक आवश्यकताओं को तो पूरी कर दिया, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने कृषि की जो बेसिक आवश्यकता है, कृषि के लिए जरूरी आवश्यकता है, बिल्कुल बेसिक आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता में भूमि सुधार का काम होना, भूमि का पुनर्वितरण होना और कृषि संबंधित जो बांधों का निर्माण करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, तो बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया, और बेसिक आवश्यकता करने करने की पूर्ति करने का प्रयास किया। अब बेसिक आवश्यकता अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी है, जैसे सिंचाई, इसके लिए आपने सुना होगा हीराकुंड बांध, आपने सुना होगा हीराकुंड बांध परियोजना, भाखला नांगला बांध परियोजना, ये सारी परियोजनाओं का निर्माण इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो सिंचाई के लिए, कृषि में सिंचाई करने के लिए, कृषि में विकास करने के लिए हमने बेसिक आवश्यकता है सिंचाई की व्यवस्था और भूमि सुधार, और भूमि सुधार के लिए आपने सुना होगा प्रथम संविधान संशोधन भी हमें करना पड़ा। आपने देखो
कई बार हमसे कई लोग पूछते हैं कि सर कैसे चीजों को कनेक्ट करें, कहाँ से कनेक्ट करें। दोस्तों इस तरीके से कनेक्ट होती है कि जब मैंने यहाँ बेसिक सी चीजें पढ़ रहा हूँ एग्रीकल्चर को लेकर के, तो हमने इसको संविधान से भी जोड़ा है कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ उसका मेन कारण था भूमि सुधार, और इस प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने कौन सी सूची जोड़ी, 9th अनुसूची को जोड़ा गया, 9th अनुसूची को जोड़ा गया। और 9th अनुसूची को जोड़कर इसमें लिखा गया कि जो चीज, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम भूमि सुधार करेंगे तो भूमि का पुनर्वितरण करेंगे, और भूमि के पुनर्वितरण में जमींदारों की भूमि को छीन करके उनसे लेकर के और उसको किसको दिया जाएगा, समाज के वंचित और जो किसान है उनको दिया जाएगा, ताकि भूमि का पुनर्वितरण हो जाए। तो जब जमींदारों से आप भूमि लेंगे तो जमींदार अपने संपत्ति के अधिकार के सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस कानून को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। इससे बचने के लिए हमने प्रथम संविधान संशोधन करके 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय, और इसलिए हमने भूमि पुनर्वितरण पर फोकस किया। और यही दोस्तों आप बोलते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद क्या, यही लोकतांत्रिक समाजवाद है कि संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। तो भूमि सुधार के लिए हमने प्रथम संविधान संशोधन किया 9th शेड्यूल जोड़ी, और इसमें यह कहा गया कि जो विषय 9th शेड्यूल के अंतर्गत जोड़े जाएंगे उनका रिव्यू नहीं होगा, यानी कि 9th शेड्यूल का रिव्यू नहीं होगा, ये बात थी। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1973 से पहले, 1973 से पहले जो सब्जेक्ट, जो विषय इसमें जोड़े गए थे 9th शेड्यूल के अंतर्गत, जो विषय इसमें जोड़े गए उनका रिव्यू नहीं होगा बाद वाले विषयों का रिव्यू। तो ये था हमारा कि इन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने कई विषय कई काम किए थे दोस्तों, तो उनमें मुख्य काम ही भूमि सुधार। लेकिन अभी तक हमने इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अभी तक हमने कृषि में तकनीकी प्रयोग नहीं किया, तकनीकी का प्रयोग नहीं था, मशीनों का प्रयोग नहीं था, इनका प्रयोग नहीं किया। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने की तो हमारी एक बात तो समझ में आ गई थी कि अगर हमें कृषि का विकास करना है तो हमें औद्योगिकरण पे भी फोकस करना होगा, और इसके अलावा देश का बड़े लेवल पे विकास करना है तो बड़े अवसंरचनात्मक और जो बड़े जरूरी उद्योग है उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर हम देखेंगे तो अब देखेंगे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में बैकग्राउंड बना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस तरीके से बनी, दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों, 1956 से 61, और इसी पंचवर्षीय योजनाओं को आपने नाम सुना होगा, नेहरू महा लनोविस मॉडल, नेहरू महा पीवी महालनोविस मॉडल है। पीवी महालनोविस भारत के इकोनॉमिस्ट थे और नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने मुख्य रूप से कहा इस मॉडल के अंतर्गत ये कहा कि हम कैसे के साथ साथ हमारा फोकस रहेगा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, औद्योगिकरण या बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, सबसे बड़ी बात है औद्योगिकरण और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका क्या था मुख्य उद्देश्य था, और ऐसा क्यों किया गया, आखिर हमने इसको क्यों अपनाया, कि हमें क्या जरूरत थी कि हमने औद्योगिकरण या बुनियादी उद्योग इनको बढ़ावा देंगे, और बड़े उद्योगों था बेस बुनियादी उद्योग जो हमारी बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आखिर इसकी जरूरत क्यों थी, सबसे बड़ी बात इसकी जरूरत क्यों थी। तो अगर हम देखें कि भाई हम अगर कृषि का विकास करना चाहते हैं, देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, देश का बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। किसके लिए, पहला कारण कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाने थे। दोस्तों अगर कृषि में अगर हमें उत्पादनता उत्पादक और उत्पादकता बढ़ानी है तो कृषि में मशीनीकरण बढ़ाना होगा, और मशीनीकरण किससे बढ़ेगा, जब आप उद्योगों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि उद्योगों में ही मशीन बनती है तो उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर दूसरा कारण करें तो हमें अब देखो जब 5 साल तक
हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी जरूरत थी खाद्यान्न की आपूर्ति, उसके लिए तो हमने काम किया, लेकिन अब हमें देश का औद्योगिक विकास भी करना, लोगों को रोजगार भी देना था, लोगों की आर्थिक इनकम को भी बढ़ाना था। इसलिए बड़े उद्योगों के लिए हम कह सकते हैं देश का आर्थिक विकास है, देश का आर्थिक विकास हेतु हमने क्या किया, औद्योगिकरण को अपनाया था। तीसरा, निवेश को आकर्षित करने का, दोस्तों अगर आप बात करें तो निवेश क्यों, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारे पास मशीनें नहीं है, तकनीक नहीं है, तो वहां बड़ी मात्रा में निवेश नहीं कर पाएंगे। बड़ी मात्रा में अगर निवेश की जरूरत है, जो हमारा विनिर्माण उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम उसको ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हैं। तो इसलिए औद्योगिकरण के माध्यम से बड़े लेवल पर निवेश अट्रैक्ट करने के लिए, सरकार का निवेश, निजी निवेश, विदेशी निवेश, इनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देगा, क्योंकि कंपनियां लगेंगी, औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। तो इसलिए मुख्य रूप से हमने ये चुना। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और देखू मैं, एक होता है चौथा ट्रेकल डाउन इफेक्ट, इसको समझना आप, ट्रेकल डाउन इफेक्ट वाला प्रभाव को ट्रेकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि जब भी आप अर्थव्यवस्था में जब भी किसी प्रकार की चीजें अपनाई हैं, तो उसका मतलब है जब विकास का जो लाभ है, विकास का, इसका मतलब समझो पहले, एक मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि विकास का लाभ, आप ऐसी नीतियां बनाओ जिससे विकास का लाभ सभी वर्गों को मिले। विकास का लाभ सभी वर्गों को मिले, वही है क्या ट्रेकल डाउन इफेक्ट। ट्रेकल डाउन इफेक्ट, लेकिन दोस्तों वो क्या था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपने एग्रीकल्चर पर फोकस किया, तो जो विनिर्माण उद्योग था, जो सर्विस उद्योग था, उसको आर्थिक विकास का लाभ मिला है। ऐसी स्थिति में ट्रेकल डाउन इफेक्ट है, उसको लागू करने के लिए हमें जरूरी था कि हम कहीं ना कहीं उद्योगों और वस्तुओं में निवेश को बढ़ावा दें। इसके अलावा एक और कारण था कि अभी तक दोस्तों आपने सुना होगा कि हम कृषि का विकास कर रहे थे, कृषि में विकास कर रहे थे, और ब्रिटिश काल से औपनिवेशिक काल से अगर देखेंगे तो हम कच्चे माल के निर्यातक थे, आपको पता है। तो अब हमें कच्चे माल के निर्यातक के स्थान पर क्या बनना था, विनिर्माण निर्माता, विनिर्माण निर्माता, क्योंकि हम कच्चे माल का इसलिए निर्यात करते थे क्योंकि एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में से जो कच्चा माल उत्पाद होता था उसको हम ज्यादा निर्यात करते थे। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के टाइम पे चला आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में इस कच्चे माल को निर्यात के स्थान पर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, इसका निवेश करें, इसको बढ़ावा दें। इसलिए हमें जरूरी था कि हमें बड़े उद्योगों पर क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो कृषि, कृषि के विकास के लिए कई बार आपसे पूछ सकता है क्या कारण था कि हमें औद्योगिकरण को दूसरी पंचवर्ष योजना का लक्ष्य चुनना था। तो इसके अंतर्गत दूसरा यह था दोस्तों कि कृषि के विकास के लिए, तो कृषि के विकास के लिए कृषि में चाहे रसायनों का प्रयोग हो, चाहे खाद बीजों का प्रयोग हो, है ना, कृषि में रसायनों का प्रयोग हो, खाद बीजों का प्रयोग हो, सब किससे बनते हैं, इंडस्ट्री बनते हैं, उद्योग बनते हैं, तो खाद बीजों का प्रयोग हो या उर्वरक का प्रयोग हो, उपकरणों का प्रयोग हो, ये सारे खाएं उद्योगों में बनते हैं। इसलिए यदि हमें कृषि का विकास करना है तो उद्योगों को बढ़ावा देना, इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं हमें इस पर फोकस करना। और एक और चीज थी दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा। दोस्तों आपको बताया कि भारत जब आजाद हुआ, आजादी के समय ही पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, 1962 में चीन का मुद्दा हो गया, और भारत की जो राष्ट्रीय स्थिति है, सुरक्षा की स्थिति, वो बहुत बड़ी समस्या में थी। तो अगर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए तो आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, आपको उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, और वो कहाँ बनेंगे, उद्योग। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों या बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की थी। और इसके अंतर्गत अगर हमने बात कहा कि अगर हमें मुख्य रूप से देखा जाए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य इनका ये था कि हम पूंजीगत निवेश है उसको बढ़ावा जाए, पूंजीगत निवेश को बढ़ेगा तो हमारी असेट बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे। तो इस औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत हमने ये चीजें फोकस करी, और इस दौरान हमने क्या किया, सरकार ने क्या काम किया, इस दौरान हमने जो सरकारी प्रयास की अगर बात करें हम, तो सरकारी प्रयास क्या थे कि पहली बात हमने एक नीति अपनाई थी आयात
प्रतिस्थापन, इसको सुना आयत प्रतिस्थापन की नीति क्या है। दोस्तों आयात प्रतिस्थापन की नीति का मतलब है कि जिन वस्तुओं का हम आयात करते हैं, जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उनका घरेलू उत्पादन करके निर्यात करना या आयात को कम करना, यह है आयात प्रतिस्थापन। क्योंकि आयात प्रतिस्थापन में मुख्य रूप से हमारे था कि जिन वस्तुओं का हम कहीं ना कहीं आयात करते हैं उनको घरेलू लेवल पे उत्पादन करें। लेकिन दोस्तों बेटरेन के औद्योगिकरण की अगर मैं बात करूं, जैसे बेटरेन का औद्योगिकरण अगर बात करें हम, है ना, तो बेटरेन का औद्योगिकरण बहुत पुराना था, तो वहां के उद्योग बहुत विकसित थे। अगर मैं बात करूं तो बाहर विदेशी उद्योगों की बात करूं मैं, विदेशी क्षेत्र की, तो यहां पर औद्योगिकरण बहुत ज्यादा विकसित था, आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका था, औद्योगिकरण विकसित था। और अगर भारत की बात करें हम दोस्तों इधर, तो भारत का औद्योगिकरण क्या था, विकसित नहीं था, विकसित। अगर भारत का औद्योगिकरण विकसित नहीं था, ऐसी स्थिति में भारतीय वस्तुएं क्या नहीं कर पा रही थी, प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, भारतीय वस्तुएं क्या नहीं कर पाएंगी, भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। जब प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि विदेश से आने वाली वस्तु जब सस्ती है, गुणवत्तापूर्ण है, तो हर व्यक्ति विदेश वाली वस्तु खरीदेगा, घरेलू वस्तु क्यों खरीदेगा, घरेलू उत्पादन वाली वस्तु क्यों खरीदेगा। और जब तक घरेलू उत्पादन की वस्तु कोई खरीदेगा नहीं तो बनाएगा कौन, और जब तक बनाएगा नहीं तो कंपनी कौन लगाएगा। तो इन चीजों के लिए हमने क्या आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत हमने गलती क्या करी, हमने संरक्षणात्मक मॉडल को अपनाया। और संरक्षणात्मक मॉडल में दोस्तों हमने दो चीज डिसाइड करी, इसमें हमने दो काम किए, एक था शुल्क, आयात शुल्क को बढ़ाना, एक था आयात शुल्क को बढ़ाना और दूसरा आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा फिक्स कर दी, यानी कि मात्रा फिक्स कर दी कि एक साल में 20 वस्तु ही हम आयात कर पाएंगे, एक साल में 20 वस्तु ही विदेश से खरीद पाएंगे। तो इससे क्या है कि आयात क्या है, सीमित होगा। जब हमारे यहाँ बाहर से जब वस्तु नहीं आएंगी तो अपने आप लोग फिर घरेलू वस्तुओं का उपभोग करना चालू कर देंगे, और जब लोग घरेलू वस्तुओं का उपभोग करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं घरेलू उद्योग है वो अपने निवेश करेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, और धीरे 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 वो भी अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधार देंगे। कोई क्योंकि शुरू में आपको पता है प्रारंभिक फेज में कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं की, कोई भी कंपनी अपनी वस्तुओं को बहुत ज्यादा गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकती। जैसे वो उत्पादन करती है, धीरे धीरे सीखती है, धीरे धीरे निवेश को बढ़ाती है, तकनीक को एक्सेप्ट करती है, ट्रेनिंग करती है, स्किल करती है, फिर दोबारा अपने स्किल को बढ़ा देती है। तो इसलिए आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा भी भारत ने क्या की, निश्चित कर दी। ये था आयात प्रतिस्थापन। क्योंकि हमारा उद्देश्य इसमें भी ये था, आयात प्रतिस्थापन की नीति भी अगर कहीं ना कहीं देखें तो इसका उद्देश्य तो हमारा आत्मनिर्भरता था। अगर आप देख रहे होंगे इसमें तो इसका उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भरता। लेकिन दोस्तों हम आत्मनिर्भर किस तरीके से हो रहे थे, हम आत्मनिर्भर होते संरक्षणवाद के माध्यम से। हम अपने मार्केट को विदेशी मार्केट के लिए ब्लॉक कर रहे थे, हमारे जो विदेशी कंपनी उनके लिए हमने ब्लॉक कर दिया कि एक तो कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, एक शुल्क बढ़ा दिए ताकि बाहर से वस्तु हमारे यहाँ कम से कम आए। तो ये क्या, हम डर रहे थे क्योंकि हम कंपटीशन करने के योग्य थे नहीं, हमारे उद्योग बाहर उद्योग कंपटीशन करने के योग्य नहीं थे। दूसरा, इसकी वजह से जो आयात प्रतिस्थापन की नीति है वो आज के आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट से एकदम भिन्न है। क्योंकि आज भी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट है वो आत्मनिर्भरता की बात करता है, लेकिन उसमें दोस्तों ये संरक्षणवाद मॉडल को नहीं अपनाया। आज हमने हमारे मार्केट को ओपन रखा है, आज हम विदेशी कंपनियों को बुलाएंगे, यहाँ पर निवेश करवाएंगे, उनसे उत्पादन करके हम खुद खुला होकर के बाहर वस्तुओं को बेचेंगे। ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट जो नया आया है। तो कई बार यूपीएससी पूछ सकती है कि जो आयात प्रतिस्थापन था आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट है वो कैसे कैसे अलग है। दूसरा फोकस इसमें किया था हमने, सरकार का दूसरा प्रयास अगर देखें तो दूसरा प्रयास ये था दोस्तों कि इसमें एमएसएमई या कह सकते हैं लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ा दिया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एमएसएमई ग्रामीण अर्थ क्यों जुट गया, क्योंकि इसका हालांकि हम इसको पढ़ेंगे, जो औद्योगिक नीति पढ़ेंगे आगे, जो औद्योगिक नीति पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि क्यों इसको बढ़ावा दिया। तो इसका एक कारण तो ये था कि आपको पता है कि एमएसएमई ग्रामीण विकास के लिए जरूरी थे, अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण के लिए जरूरी थे, इनको क्यों बढ़ावा दिया। अगर हम बेसिकली समझें क्यों बढ़ावा दिया,
एक तो रहेगा आर से विकेंद्रीकरण, क्योंकि जो बड़ी उकाई बड़े उद्योग है बड़ी इंडस्ट्री वो तो दो चार आदमियों के पास होती है, और घर में छोटे छोटे इंडस्ट्री छोटे छोटे हद कर का उद्योग चल रहे हैं वो तो सभी के पास है, तो अगर उनको भी बढ़ावा देंगे तो सभी का भागीदारी बढ़ेगी, सभी का रोजगार बढ़ेगा, उनके अलावा अपने अलावा ग्रामीण विकास अपने आप होगा, क्योंकि ये कहां पर थे ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। और आर्थिक विकेंद्रीकरण देखिए आर्थिक समानता हेतु, ये क्या है हमने एमएसएमई को भी बढ़ावा दिया है, तो पहली आयात प्रतिस्थापन की नीति दूसरे में से, और तीसरा इसमें बढ़े सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें आप सुन सकते हो भारत सरकार के द्वारा बड़े बड़े सार्वजनिक उद्योग वो लगाए गए ताकि उद्योगों को बढ़ावा दे, और इसी दौरान हम निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अगर वैसे भिलाई बोकारो यहाँ पर नए शहर क्षेत्रों औद्योगिक क्षेत्रों का स्थापना हुई, औद्योगिक क्षेत्र है इनकी स्थापना, तो ये सरकार द्वारा अपनी औद्योगिकरण की नीति में ये नए नए प्रयास किए। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसके बाद सरकार ने बुनियादी उद्योगों को बढ़ावा दिया, बुनियादी उद्योगों की बात करें तो किस किस उद्योग पे मुख्य रूप से हम इसमें तो कई ऐसे उद्योग है जैसे इसमें सरकार बिजली रेल परिवहन, बिजली रेल परिवहन अगर बात करें हम सड़क ठीक है ना ऐसे अवसंरचना पर फोकस किया, अवसंरचना तथा इनके विकास पर फोकस किया, तो आप अब जान सकते हैं किस तरीके से हमने औद्योगिकरण की इस इकाई दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहला, और दूसरी पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना रही थी, और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने सबसे महत्वपूर्ण है इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम किया था हमने कि हम नई औद्योगिक नीति ले आ गए। हमारी जो नई औद्योगिक नीति 1956 है वो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया, और जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसे आर्थिक क्षेत्र का संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज हमने की। अब नई औद्योगिक नीति है इसको हम जब औद्योगिकरण पढ़ेंगे तो वहां नई औद्योगिक नीति को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, पर जस्ट ये मैं बता रहा हूं कि हमने पंचवर्षीय योजना के इस दौरान क्या क्या किया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा कि पीवी महा लनोविस और महानेहरू जी की जो रणनीति पर आधारित थी, और इनका मुख्य उद्देश्य था कि हमें औद्योगिकरण को बढ़ा दिया जाएगा, उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, जो कृषि के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था कि क्या कारण थे क्या परिस्थिति थी कि हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना पड़ा। इसके बाद दोस्तों अब आती है हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये जो लिख रहे हैं इनको जब भी आप आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी इसको देखते टाइम आपको ध्यान रखना वीडियो जरूर देखें तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो अगली है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो अगर थर्ड फाइव ईयर प्लान की मैं बात करूं तो ये कब आया दोस्तों, ये आया था 1961 से लेकर 1966 के बीच में, तीसरी पंचवर्षीय योजना इसको 1961 से लेकर के 1966 में के बीच में लाया गया था, और इसमें यह कहा गया कि हमें इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, इसका उद्देश्य था कि देखो कृषि एवं उद्योग दोनों में संतुलित विकास करना है, हुआ क्या था कि वो ट्रेकल डाउन इफेक्ट है उसका उसकी बात कर रहे थे, तो जब हम पहली पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया तो कृषि चली गई, हम कृषि में बहुत आगे निकले, दूसरी में हमने उद्योग पर ज्यादा फोकस कर दिया तो इसलिए कृषि को उतना बढ़ावा नहीं मिला, तो फिर हमारे समझ में आ गई कि अगर हमें दोनों को साथ में लेकर चलने पड़ेगा तभी विकास हो पाएगा, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और उद्योग दोनों में संतुलित विकास दोनों का विकास करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना पर फोकस किया, जहाँ कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक अपनाई, उद्योगों के लिए नए निवेश को अट्रैक्ट किया, और एक महत्वपूर्ण तरीके से हमने इसमें काम किया। और इस योजना की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि भारत ने पहली बार ध्यान रखना इस पंचवर्षीय योजना में भारत ने पहली बार IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया, ध्यान रखना भारत ने अपने यहां निवेश को बढ़ाने के लिए अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए IMF से पहली बार भारत सरकार के द्वारा ऋण लिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, इसके लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, उनको हम देखते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको जानने का सिर्फ इतना ही था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से 1961 से 66 में
इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योगों को साथ में लेके चलना। अब दोस्तों 1966 में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि हमारे पास पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जो हमारी क्षमता है वो नहीं रह पाई, इसलिए इस दौरान आया था योजना अवकाश, योजना अवकाश या वार्षिक योजना। क्योंकि जब हम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं तो 5 साल के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और 5 साल के लक्ष्यों के आधार पर उसी प्रकार का निवेश करने के लक्ष्य देते हैं, उसी प्रकार की नीति बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये क्यों आई? अगर बात करूं मैं तो इनका आने का अगर कारण करूं तो 1962 में हमारा चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और जब भी आपको पता है युद्ध अगर होता है तो आर्थिक विकास पिसर जाता है। इसके अलावा हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की मौत, हमारे 2 प्रधानमंत्री नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री चले गए, तो इसे इन कारणों की वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से अगर देखें तो भारत में इनकी वजह से, ध्यान रखना, इनकी वजह से हमारे आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, इनकी वजह से राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता हुई। जब राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता हो गई तो इस दौरान आप पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे? कौन लक्ष्य निर्धारित करेगा? क्योंकि नेहरू जी चले चुके, जा चुके थे, है ना, कौन लक्ष्य बनाएगा, क्या लक्ष्य होंगे? हमारे पास फंड नहीं है, पैसे की कमी है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, गरीबी की स्थिति बनी हुई है, बहुत सारी समस्याएं इस 1961 के दौरान थी। ऐसी स्थिति में हमें इसके अलावा दोस्तों इन कारणों की वजह से क्या हुआ, जैसे बाढ़ आ रही है एक तरफ, इधर सूखा पड़ रहा है, इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, आर्थिक विकास पिछड़ रहा है, आर्थिक विकास। तो ऐसी स्थिति में हम लक्ष्य निर्धारित करने में असक्षम थे कि हम क्या लक्ष्य निर्धारित करें। तो इसलिए हमने सोचा कि दीर्घकालीन सोचने से अच्छा है कि इन दौरान इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर हमने सोचा कि क्यों ना हम अल्पकालीन लक्ष्यों को निर्धारित करें। इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर तात्कालीन लक्ष्यों का निर्धारण किया, और इसके लिए हमने क्या किया, वार्षिक योजनाएं लागू की। हम एक एक साल की योजना लेके आए, हमने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाएं लागू की, और वार्षिक योजना में आपको पता है कि हम वार्षिक लक्ष्य उनको निर्धारित करते थे और इन चीजों को दूर करने थे। तो हमारे आर्थिक स्थिति खराब थी, सारी स्थिति खराब थी, इसलिए इन चीजों से दूर करना था। और दोस्तों इसी दौरान भारत सरकार के द्वारा एक सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, रुपये का अवमूल्यन। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, तो रुपये का अवमूल्यन किया गया था, यह किया गया था 1966। अब आपने सोचा होगा कि जब हमारे पास इतनी चीजें हो रही थी तो आखिर रुपये का अवमूल्यन करने की जरूरत क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी दोस्तों कि लगातार युद्धों की वजह से, अगर इसका कारण देखें हम, समझो उसका कारण तो समझ गए होंगे कि हम क्यों वार्षिक योजना लेके आए। हम 3 वार्षिक योजनाएं लेके आए थे, और 3 वार्षिक योजनाओं अगर बात करें तो 3 वार्षिक योजनाएं लागू की हमने, 1968 से 1968 और 1968 से 1969, इस तरह हम 3 वार्षिक योजनाएं लेके आए थे, ठीक है। और 3 वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत सरकार का पहला प्रयास था कि सरकार ने रुपये का अवमूल्यन किया, और रुपये के अवमूल्यन का कारण, इसका कारण अगर देखेंगे, इसका कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है दोस्तों, कारण ये था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार समापन की ओर थे। क्यों? क्योंकि आयात ज्यादा था, निर्यात कम था। हमारा जो आयात है वो बड़ा, बहुत ज्यादा हम अभी भी कर रहे थे क्योंकि हमारी जरूरत थी भाई। आपने आयात प्रतिस्थापन की नीति तो लागू कर दी, और आयात प्रतिस्थापन की नीति कहती है कि आप अपने लेवल पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन उस अकॉर्डिंग आप वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ा पाए, इसलिए आयात प्रतिस्थापन की नीति भारत की फेल हो चुकी थी, और इसके कारण हमें आयात तो हमें लाना पड़ रहा था लेकिन हमारा निर्यात नहीं था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गए थे। इसलिए हमें निर्यात को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना, निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपये का
अवमूल्यन करना पड़ा। अब रुपये का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है समझेंगे। अब रुपये सबसे पहले बताया, रुपये का अवमूल्यन की अगर मैं बात करूं, रुपये का अवमूल्यन का मतलब है कि रुपया को हम डॉलर के मुकाबले सस्ता कर देंगे। जैसे अगर एक डॉलर बराबर 20 रुपये, अब हम क्या कर देंगे, एक डॉलर बराबर 40 रुपये, तो ये रुपये का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया, कि रुपया विदेशी मुद्रा की तुलना में कमजोर हो गया। अब इससे फायदा, इससे निर्यात कैसे बढ़ेगा, तो दोस्तों सब रुपये का हम अवमूल्यन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निर्यात को बढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में कोई वस्तु, हमारी वस्तु की मांग हो रही है, जैसे मान लें एक शर्ट है उसकी कीमत मान लेते 20 रुपये, तो अमेरिका की कोई अगर बाहर के वो व्यक्ति, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस शर्ट खरीदेगा तो उसको कितना रुपये देना पड़ेगा, $1। $1 में क्या करेगा, वो इस शर्ट को खरीदेगा, क्योंकि $1 बराबर 20 रुपये। लेकिन यदि हमने रुपया के मूल्य को घटा दिया, $1 बराबर अगर हमने 40 रुपये कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति वो $1 से ही कितनी वस्तु खरीद पाएगा, 2 वस्तु खरीद पाएगा। वो जब 2 वस्तु खरीद पाएगा तो क्या होगा, जब $1 से 2 वस्तु खरीदेगा तो हमारे यहाँ से पहले निर्यात के लिए 1 वस्तु जा रही थी, अब निर्यात के लिए 2 वस्तु जाएगी। ऐसी स्थिति में आपने देखा हो चीन, वो बहुत सारे लोग हैं वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि एक सीमा से ज्यादा आप रुपये का मूल्य अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा को कम कर देते हैं, कंपटीशन को कम कर देते हैं। लेकिन भारत ने पहली बार जून 1966 किया, इस दौरान भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया था। कब किया, 6 जून 1966 भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया, और रुपये का अवमूल्यन करके भारत ने कहीं ना कहीं अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो रुपये का अवमूल्यन समझ गए होंगे इसका वो देने पर, तो इस आधार पर भारत सरकार के द्वारा रुपये के अवमूल्यन की बात की गई थी। और एक और अवमूल्यन की बात ये थी कि हमारे यहाँ दोस्तों मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक है, आर्थिक ढांचा हमारा कमजोर था। अब आर्थिक विकास गति, ऐसी स्थिति में हमें जरूरी था कि हमें कहीं ना कहीं जो मुद्रा स्फीति है, जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको, सॉरी हमारा जो मुद्रा जो पैसे की जो वैल्यू है उसको कम करेंगे और निर्यात को बढ़ाएंगे। 1966 में भारत सरकार के द्वारा एक काम किया गया था। तो और इसके अलावा एक चीज और थी कि भारत को कहीं ना कहीं विश्व बैंक, जिसका कार्य स्वयं लेन देना था, उसके साथ भी कहीं ना कहीं समन्वय करना पड़ा, क्योंकि उसकी सहायता से विश्व बैंक, उस विश्व बैंक उस तक बढ़ा नहीं था, उस तक गैट था, जब तक गैट काम कर रहा था। हमें आगे देखेंगे, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी है, जिसमें मुख्य रूप से वैश्विक लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समन्वय बनाने के लिए गैट नामक संस्था बनाई थी। बाद में 1995 यही संस्था वर्ल्ड बैंक, यही संस्था है मुख्य रूप से WTO का रूप लेने लगी। तो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया हमें और हमने बहुत सारी चीजें इसमें उपलब्ध करी, और रुपये का अवमूल्यन करके हमने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि देखो अब आप रुपये का अवमूल्यन कर रहे हो तो आयात में आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ध्यान रखना। रुपये का अवमूल्यन अगर कर रहे हो तो निर्यात तो आपको बढ़ेगा लेकिन आयात महंगा हो जाएगा। अगर हम पहले इस दौरान ध्यान रखना, इसमें रुपये के अवमूल्यन से सबसे बड़ी बात है कि निर्यात बढ़ता है परंतु आयात महंगा हो जाता है, और आयात महंगा इसलिए हो जाता है दोस्तों, पहले अगर भारत का कोई आदमी बाहर से वस्तु खरीदेगा तो पहले अगर उस वस्तु की कीमत $1 है तो उसे 20 रुपये देने पड़ते थे, अब उस वस्तु की कीमत उसको 40 रुपये देनी पड़ेगी, तो हमारे लिए आयात महंगा हो गया। तो हम आयात को महंगा ही करना चाहते थे ताकि आयात कम से कम हो और उत्पादन घरेलू लेवल पर बढ़े। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए 1986 में हमने रुपये का अवमूल्यन किया। तो तीन योजनाएं हमने चलाई, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, तो इनकी वजह से धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी। हरित क्रांति इसी दौरान आई थी, इस दौरान हमने हरित क्रांति लेके आए, कृषि में विकास किया, इसी दौरान बहुत सारे एक्ट हम लेके आए, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो हमारी पंचवर्षीय योजना का पहला, अगर देखें जो पहला उनका कार्यकाल है, वो इस दौरान ब्रेक हो गया। इस दौरान 3 वर्ष की हमने वार्षिक योजनाएं चलाई। इसके बाद आती है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी पूरे सरकार में आई, और सरकार में आने के बाद उन्होंने 1969 से लेकर के 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना है ही चलाई। और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य अगर इसके उद्देश्य देखें हम तो मुख्य उद्देश्य था, एक तो था दोस्तों विकास एवं स्थिरता, मुख्य रूप से चाहे राजनीतिक स्थिरता हो चाहे आर्थिक स्थिरता, हमें स्थिरता जरूर लानी है, और विशेष रूप से इसमें जनकल्याण पे, जनकल्याण
समावेशी विकास या सामाजिक न्याय? ज्यादा फोकस किया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जन कल्याण है, उसको बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए इस 1965 की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये काम किया। और इस दौरान परिस्थितियां अगर हम देखें, जैसे चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में बनाई जा रही थी, तो परिस्थितियां बहुत अलग थी, नई सरकार बनी, इसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन हो चुका था, हरित क्रांति हो चुकी थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फिर हमने इन उद्देश्यों को निर्धारित किया, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी प्रयास क्या किए, सरकारी प्रयास क्या है? सरकारी प्रयास ये थे कि सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक है उनका 1969 में क्या किया, 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय विकेंद्रीकरण। यानी कि जो बैंक केवल अभी तक प्राइवेट थे, वो केवल अमीरों को लाभ के हित के लिए ऋण देते थे, वो कृषि में, वो एमएसएमई में, इनके लिए ऋण नहीं देते थे। ऐसे स्थिति में समाज में जो गैर संस्थागत जो ऋण इन क्षेत्रों को मिलता था, वो उन्हीं पे डिपेंड रहते थे। अभी भी गांव में किसान के लिए लोग मुख्य रूप से साहूकारों से ऋण लेते थे, तो लोग की किसानों तो जब ये बैंक प्राइवेट रहेंगे, तो आपको पता है प्राइवेट बैंक अपने प्रॉफिट पे काम करेगा, वो कभी भी ऐसी जगह ब्रांचेज नहीं लगाएगा जब तक कि वो उसको लाभ ना हो। अब ग्रामीण क्षेत्र में सामान्यतः किसी को लाभ होगा नहीं जल्दी से, तो इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक पहुंचे, किसानों को लोन मिले और लोगों का विकास। इसके अलावा दोस्तों इसी दौरान सरकार ने प्रीवी जो पर्स है, आपने सुना होगा, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। प्री पर्स सब जानते होंगे, प्रीवी पर्स का मतलब है कि जब 1947 के दौरान 1950 तक हमने, जब जो हमारी जितनी भी रियासत थी और उनके राजा थे, उन राजाओं को हमारे इसमें बुलाया, हमारे जो यहाँ पर हमारे एकीकरण में शामिल किया गया था, तो उनसे बोला गया कि आप हमारे एकीकरण में शामिल हो जाओ, आपको एक हर वार्षिक रूप से आपकी सैलरी के टाइप में कुछ सुविधाएं आपको दे दी जाएगी। तो प्रीवी पर्स के अंतर्गत वो सारी सुविधाएं समाप्त कर दी, तो प्रीवी पर्स से उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस दौरान हमने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारा मतलब महत्वपूर्ण काम सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों इस दौरान चुनौतियां आई। इस दौरान चुनौतियों की बात करें तो चुनौती एक तो सबसे बड़ी बात थी कि तेल संकट उत्पन्न हो गया। 1973 में तेल संकट आपने सुना होगा, 1973 में तेल संकट उत्पन्न हुआ, जिसका मेन कारण था, इसका कारण आपने सुना होगा, इजराइल अरब युद्ध। इजराइल अरब युद्ध की वजह से तेल संकट है ये उत्पन्न हो गया था 1973 में। और चूंकि हमारा ज्यादातर हम तेल पर निर्यात निर्भर थे, तेल बहुत महंगा हो गया, तो इससे हमारे यहाँ आपको पता है हमारा तेल जो चीज, अगर तेल एक तेल की वजह से अगर हमारी वस्तुओं की कीमत बढ़, तेल का प्रभाव की वजह से हमारी इकोनॉमी के हर फैक्टर पे, हर लेवल पर प्रभाव डालता है, तो ये चीजें हमारे यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आई। और सबसे बड़ी बात है कि जो फिलिस्तीन वाला मुद्दा था, इसराइल वाला, इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा जो वहाँ पे, वो इस दौरान घटित हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और इसी की वजह से हम कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो गए। क्यों? क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल संकट था, तेल संकट से क्या होगा, तेल की कीमतें बढ़ी, और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गरीबी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो गरीबों को उनकी क्षमता कमजोर हो जाएगी। तो जो इंदिरा गांधी 1969 के इलेक्शन में गरीबी निपटान के लिए, समाज के गरीबों का कल्याण करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जब सरकार में आई, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे एक घटना और ले सकते हैं, 1971 का भारत पाक युद्ध, इनकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के लक्ष्य प्राप्त करने में असफल, इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना भी ज्यादा सफल नहीं रह पाई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसने काफी हद तक अपना काम किया और काफी चीजें की। इसके बाद आती दोस्तों पांचवी, ये चीज ध्यान रखना, इनका कार्यकाल, इनके लक्ष्यों को ध्यान रखना, अगर ये आपको पता है, इनको लेकर के स्टेटमेंट आते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पता लग रही होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं फिफ्थ फाइव ईयर प्लान की, अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ फाइव ईयर प्लान 1900 कब आया, 1974 से लेकर के 1979 तक का, लेकिन 1979 तक इसका लक्ष्य था। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य देखें, इसका मुख्य उद्देश्य अगर मैं देखूं, तो मुख्य उद्देश्य इसका भी था सामाजिक न्याय।
और इसी दौरान आपको पता है हमारे यहाँ 1976 में संशोधन हुआ और समाजवाद को भारतीय संविधान में भी जोड़ा गया। समाजवाद शब्द है वो कहाँ जोड़ा गया? प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो सामाजिक न्याय पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमारा मुख्य लक्ष्य था और इसी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी हटाओ का नारा भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि इस दौरान 1977 में इसमें क्या हुआ, 1977 में सत्ता परिवर्तन हो गया और इसका पहली बार विपक्ष की सरकार आई। और इसकी वजह से यह योजना 1977 के बाद ज्यादा काम नहीं कर पाई थी इस योजना की, क्योंकि जो विपक्ष की सरकार आई थी वो जनता दल की सरकार थी और जनता दल इस पंचवर्षीय योजना में ज्यादा विश्वास करता नहीं था। तो राजनीतिक परिवर्तन की वजह से ये योजना भी अपने सही लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई। इसके बाद 1979 में जब ये आई थी, 1979 नई सरकार 1979 तक वैसी चली, उसके बाद एक वर्ष का हमने, क्योंकि आर्थिक स्थिति हमारी ज्यादा अच्छी नहीं थी, 1979 से लेकर एक वर्ष का अवकाश रख दिया हमने 1979 से लेकर 1980 तक हमने अवकाश लगा। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि कब अवकाश रहा, तो 1979 से लेकर 1980 तक हम योजना का अंतराल रखा, क्योंकि हम एक पंचवर्षीय योजना के बनाने के पूरे सक्षम नहीं थे, इलेक्शन होने की स्थिति में थे, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, इन्हीं कारणों की वजह से हम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को निर्धारित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सरकार ने नहीं किया। इसके लिए हम क्या लेके आए, एक रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या लेके आए, रोलिंग प्लान लेके आई थी जो नई सरकार आई थी 1977 में। अब देखो आप रोलिंग प्लान ये कौन लेकर आई थी, नई सरकार, और नई सरकार कौन थी, जनता सरकार, जनता दल। जनता दल की सरकार है वो रोलिंग प्लान लेके आई थी। रोलिंग प्लान लेने का मतलब उसका था, रोलिंग प्लान क्या होता है, पंचवर्षीय योजना, देखो पंच इसका अर्थ है, देखो पंचवर्षीय योजना होती है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बहुत स्ट्रिक्ट होती है, योजना में लक्ष्यों का निर्धारण एक बार होता है, पांच वर्ष के लिए। लेकिन रोलिंग प्लान में यह था कि इसको फ्लेक्सिबल रखा गया, इसमें यह था कि इसको लचीलापन रखा गया और देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, इसमें देश की परिस्थितियों के आधार पर लक्ष्यों में संशोधन किया जा सकता। तो रोलिंग प्लान ये बात आई थी, रोलिंग प्लान की अगर बात करें इसकी बहुत ज़्यादा ये विकासशील देशों के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि विकासशील देशों में राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक अस्थिरता रहती है, तो आप 5 साल तक का लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आपको पता नहीं 5 साल में कितनी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, इसलिए रोलिंग मॉडल, रोलिंग प्लान का मॉडल लेके आए थे। और इसको लेने वाले जो मॉडल है उसका नाम था प्रोफेसर गुन्नार, आपने सुना होगा गुन्नार मॉडल, इसको लाने वाले जो इस मॉडल को लाने वाले थे प्रोफेसर गुन्नार मॉडल, ये इसके एशियाई नाटक नाम की इसकी बुक भी थी, उसमें इन्होंने रोलिंग मॉडल है उसको दिया थी। इसकी बुक का नाम लिखो, इसकी बुक था, इसकी बुक लिखो इंडियन इकोनॉमिक प्लान, दोस्तों रोलिंग प्लान के अंतर्गत देखा कि भाई देखो विकासशील देश है उनमें आपको पता राजनीतिक स्थिरता आर्थिक स्थिरता रहती है, और आप 5 साल का एक बार लक्ष्य निर्धारित कर देंगे तो पता नहीं 5 साल में कितनी चीजें चेंज होंगी और कौन सी नई चीज, जैसे अगर हम मान लें पंचवर्षीय योजना होती है हमारे कोविड टाइम के लिए, हमारे कोविड से पहले 2017 से लेकर 2022 के लिए अगर हम पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू चलाते तो बीच में कोविड-19 आ गया, आपकी सारी योजना दस्त, सारी योजना धराशायी हो जाती, इसलिए बोला गया कि रोलिंग मॉडल हमें अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि रोलिंग मॉडल में जैसे ही परिस्थिति चेंज हुई आप लक्ष्यों को ही चेंज कर दोगे, जबकि पंचवर्षीय योजना में ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उसमें एक बार लक्ष्य निर्धारित होते थे और अगले 5 साल उसी के पीछे पड़ रहे थे, तो इसलिए रोलिंग प्लान का ये चीजें आई थी जिसमें बोला गया कि आपको जब जरूरत पड़ेगी तब इसको चेंज कर सकते हो, इसको लक्ष्यों को चेंज कर सकते हो। तो प्रोफेसर मुन्नार मॉडल के द्वारा ये रोल मॉडल विकासशील देशों के लिए दिया गया था, ये मुख्य रूप से किसके लिए था, यह मॉडल
देशों के लिए, क्योंकि दोस्तों विकासशील देशों में आप जानते होंगे कि उनकी राजनीतिक आर्थिक स्थिरता बदलती रहती है। विकसित देश क्या है, उनका ढांचा ऐसा इतना मजबूत हो चुका होता है कि छोटी मोटी चीजें चेंज होती है तो उनको प्रभाव में नहीं पड़ता। लेकिन विकासशील देशों में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, अगर थोड़ी सी मंदी आई, इकोनॉमी एकदम डाउन चली जाएगी, थोड़ी सी अगर हाई आई तो इकोनॉमी बूम हो जाएगी। जबकि जब बहुत ज्यादा वहां पर अस्थिरता रहती है, और जहां पर बहुत ज्यादा अस्थिरता रहती है वहां 5 साल के लक्ष्य आप कैसे निर्धारित कर सकते हो एक टाइम, तो इसीलिए मॉडल लेके आए थे। इसके बाद आता है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। तो जब भी आपसे रोलिंग प्लान के बारे में कोई पूछे तो रोलिंग प्लान का मतलब क्या है कि रोलिंग प्लान का मतलब है कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो उनको हम समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें, उनमें संशोधन कर सकें, इस मॉडल की बात हो रही है। इसके बाद आती है दोस्तों छठी 5 ईयर प्लान। ये आता छठे 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो 1980 से लेकर के 1985, क्योंकि 1979 से लेकर के 1980 तक क्या रहा हमारा अवकाश रहा, क्या रहा अवकाश, तो अवकाश रहा था। इसके बाद क्योंकि हमने हम सोचने में पड़ गए कि हमें क्या लेके आना है, हम कोई चीज का डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा छठी 5 ईयर प्लान है इसको लेके आया गया था। और छठी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य था गरीबी से मुक्ति पाना। ये लक्ष्य था दोस्तों, हुआ क्या था, कंफ्यूज मत करो, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लेकिन जब सरकार 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने के नारे पर सफल नहीं हो पाई, सरकार की आलोचना हुई, 1977 में सरकार को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी। जैसे ही सरकार इस बात को सबक सीख चुकी थी कि जब तक हम अपनी वचनों का पूरा नहीं कर पाएंगे लोग हमें सत्ता से परिवर्तित कर देंगे, इसीलिए सरकार को मजबूर होकर के गरीबी की बात पर पूरा फोकस होना पड़ा। और जब नई सरकार बनी 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनी तो उन्होंने पहला लक्ष्य रखा गरीबी से मुक्ति। अगर हमें पूरा काम करना है कि अब हम गरीबी से पूरी तरह लोगों को मुक्त करना है, और जब आप गरीबी से मुक्ति करेंगे तो इस दौरान आपको पता था कि आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, आपको कृषि पर फोकस करना पड़ेगा, आपको बुनियादी ढांचे उद्योगों पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के साथ फोकस करना पड़ेगा। और इसका जो लक्ष्य है अगर बात करें तो इसके इस लक्ष्य के लिए अगर सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए तो इस दौरान सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। 1906 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जो देश की गरीबी को हटा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके। तो गरीब निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं काम, तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब आपसे पूछा जाए कि सरकार ने गरीब निवारण के लिए कौन कौन सा प्रयास किया, क्या क्या काम किया है, कितना सबसे जरूरी, तो गरीबी हटाने के लिए सरकार के द्वारा मुख्य रूप से एक काम का होगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या चला था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दोस्तों इसमें मुख्य उद्देश्य था कि हमें ग्रामीण एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अंतर्गत हमने ये चीज की थी कि सरकार के द्वारा कि भाई ग्रामीणों का होलिस्टिक विकास करो, वहां पर कृषि, MSME, छोटे उद्योग, अवसंरचना को उद्योग, इन सबको बढ़ावा दो, क्योंकि ज्यादा गरीब है वो ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आप कृषि को बढ़ावा दे देंगे, वहां पर MSME को बढ़ावा दे देंगे, अपने आप गरीबी कम आ जाए। तो यहाँ विकास के माध्यम से, हमने विकास के माध्यम से गरीबी कम करने की बात की थी दोस्तों, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम ग्रामीण कृषि, MSME तथा अवसंरचना के विकास पर फोकस किया। ये था हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके अंदर दूसरा कार्यक्रम हमने चलाया था, जब लोगों को अपने आप विकास करोगे, अपने आप चीजों से जोड़ेंगे तो आप अपने आप कर देंगे। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रोत्साहन, स्वरोजगार कुल मिलाकर जिसे हम आज स्किल इंडिया कहते हैं ना, ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था ऐसा कार्यक्रम। इसमें ये था कि ग्रामीण क्षेत्र है के जो युवा है, यूथ है, उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे दो ताकि वो कृषि के अलावा सर्विस सेक्टर में चले जाए, कृषि के अलावा अपना इंडस्ट्री खोल चुके, अपने छोटे छोटे MSME लगा सके,
सेल्फ लेवल पर वो एम्प्लॉयमेंट होंगे तो अपने आप गरीबी को बाहर कर देंगे, क्योंकि तो एक परिवार में अगर एक व्यक्ति कमाने लग जाएगा तो पूरे परिवार को गरीबी से बाहर कर देगा। तो इसलिए स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने के हेतु सरकार के द्वारा इसमें कार्यक्रम चलाया गया था। तीसरा अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं और बच्चों का विकास, ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आते हैं कि ये कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थे। यूपीएससी देती है, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, तो स्टेटमेंट गलत है। इसे ध्यान रखना कि कई बार आपसे कुछ पूछ जाते हैं या आपको पता होना चाहिए कि कहां किस प्रकार के आ सके। तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बच्चों के विकास कार्यक्रम, क्योंकि महिलाएं और बच्चों का क्रम विकास कर देंगे तो अपने आप वो परिवार गरीबी से बाहर लेकर जाएगा, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्या, उन पर हम फोकस करेंगे, हम बहुत सारी चीजें कर सके। इसके अलावा ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार दोस्तों, जैसे हम आज मनरेगा कहते हैं, जैसे आज मनरेगा हम कहते हैं, वो मनरेगा की शुरुआत तो यहीं हो चुकी थी, लेकिन यहाँ केवल एक कार्यक्रम था, केवल यह क्या था, कार्यक्रम था, कानून नहीं। मनरेगा कानून हो गया और कानून बाध्यकारी हो जाता है, तो इसलिए राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम। इसके अलावा आपको भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है वो गरीबी का एक बड़ा पार्ट थे, तो भूमिहीन गारंटी रोजगार, जो भूमिहीन किसान है उनकी रोजगार दें गारंटी और ताकि उनका विकास हो सके, उनको चीजें। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने काम किया, तो सरकार काफी हद तक इन गरीबी को कम करने में सफल भी रही। हम एक साथ पढ़ेंगे गरीबी हमारे पास कितना कम हुई, लेकिन अगर आपसे पूछता है तो और ये चीज हमने, हम काफी हद तक सरकार ने काम किया। और छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने एक काम और किया कि IMF से लोन भी लिया अपने विकास के लिए। तो छठी पंचवर्षीय योजना में 1981 में सरकार ने पहले 1966 में लिया, 1962 में, मतलब 1930 पंचवर्षीय योजना में लिया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना में पुणे लिया गया था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना जो गरीबी फोकस थी, सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाए। इसके अलावा आता है दोस्तों 7-5 ईयर प्लान। 7-5 ईयर के प्लान की अगर मैं बात करूँ, 1985 से लेकर के और 1990 तक रही, और 7-5 ईयर का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर, यानी कि इसमें फोकस किया गया था हमने खाद्यान्न आत्मनिर्भर, खाद्यान्न आर्थिक वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन है ना, और इनमें आर्थिक वृद्धि, इनमें तेजी से विकास करना था, हमें तेजी से वृद्धि और करना था, मैं दोबारा देता हूं, खाद्यान्न उत्पादनों में तेजी से वृद्धि जिससे कि रोजगार के अवसर सृजित हों। ये इसके क्या लक्ष्य थे, और इस दौरान सबसे बड़ी बात है इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विकास की दर 5% से अधिक रखी गई थी, और 1990 के लास्ट टाइम तक जाते जाते भारतीय सरकार धीरे धीरे उदारीकरण की नीति को अपनाने लगी। ये हम जब नया आर्थिक सुधार को अपनाएंगे तो वहां हम ये चीज पढ़ेंगे, बेसिकली पंचवर्षीय योजना देख रहे हैं इसलिए ज्यादा उस चीज को ज्यादा उसमें नहीं ले रहे। तो छठी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार ने ये काम तो किया, लेकिन दोस्तों आपको पता है 1990 योजना को अवकाश मिलेगा दोबारा, योजना का अवकाश कब मिला, 1990 से लेकर 1992 तक। इस दौरान हुआ क्या था कि हमारे यहाँ आर्थिक संकट आ गया था, आपको पता है आर्थिक संकट आ गया था, और आर्थिक संकट के बाद हमने नए सुधार किए, और नए सुधार के लिए आपको समय लगता है, सोचने के लिए टाइम लगता है, इसलिए इस दौरान हम योजनाओं को लागू नहीं कर पाए। इसके बाद आई जी दोस्तों आठवीं फाइव ईयर प्लान 8-5 ईयर 1992 से लेकर के 1997 तक था। हालांकि सरकार चेंज हुई, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा चल रही थी, सरकार बदल रही थी, गिर रही थी, जॉइंट सरकार थी, अलायंस की सरकार थी, कई कारण थे जिसकी वजह से हम ये चीज़ नहीं करें, लेकिन आठवीं जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी। इसको अब बोला गया था वाटरशेड परियोजना, इसको कौन सी परियोजना बोला, वाटरशेड परियोजना, और बॉर्डर सेट परियोजना की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस परियोजना में हमने बहुत सारे लक्ष्यों को निर्धारित किया। इस परियोजना के अगर लक्ष्यों की बात करें
इस परियोजना के उद्देश्य क्या थे? अगर उद्देश्य बहुत थे, पहला उद्देश्य था कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करेंगे। क्या था? जनसंख्या पहला चीज था। दूसरा, गरीबी में कमी करेंगे। तीसरा, रोजगार सृजन करेंगे। चौथा, बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। और पांचवा, पंचायती राज व्यवस्था। जिसमें आपने 73वां और 74वां संविधान संशोधन देखा होगा, इसी दौरान आया था, वो इसी योजना के लक्ष्य के अंतर्गत थे। सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पंचायती राज व्यवस्था, नगरी राज व्यवस्था, इन पे हमने पूरा फोकस किया। और अगर बात करें तो इसमें आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, ये हमारे आर्थिक वृद्धि दर थी। और इसी दौरान सरकार के द्वारा कई काम किए गए, लेकिन ये योजना हमारी काफी हद तक सफल रही। बहुत सारी चीजों से हमने इसमें छुटकारा किया और देश ने जबरदस्त तरीके से वृद्धि करी। इस योजना की अगर हम बात करें, इस योजना की उपलब्धियां तो काफी योजना रही। इस योजना की अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं हुई, सही चीजें चयन हुई। तो इस योजना की उपलब्धियों की बात करें, उपलब्धि ये थी दोस्तों कि आर्थिक वृद्धि दर है वो ज्यादा हुई, हमारे हमने सोचा ना उससे भी ज्यादा देखा गई। आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.8% रही, तो बाहर की बहुत तेज गति से आर्थिक वृद्धि दर है उस दौरान बढ़ी। और उसका कारण यह कि हमारे यहाँ हमने एलपीजी पर बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे अवसरात्मक चेंजेस किए, बहुत सारे निवेश को बढ़ावा दिया। वो हम आर्थिक सुधारों के अलग से एक टॉपिक होगा हमारा, उसमें पढ़ेंगे, इसलिए मैं उनको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। और इसी दौरान भारत सरकार द्वारा मुख्य रूप से WTO का हम सदस्य बने। हम इसी दौरान WTO है उसका सदस्य बने और बहुत सारे काम हमने किए थे। तो ये सारी चीजें थी जो हम इस दौरान उपलब्धि देखे। और इस दौरान भारत सरकार द्वारा जमीनी, हमने 73वां और 74वां संविधान लागू किया। इस दौरान और क्या क्या हमारी उपलब्धि, इस दौरान 73वां एंड 74वां संविधान लागू किया, संविधान संशोधन, और इससे ग्रामीण विकास के जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करने में सफल है। ये थोड़ा सा मिटा देना, ये ठीक है ना। और इसके अलावा और भी काम किए। इस दौरान हमने बेहतर सेवा वितरण के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लाए, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गए। और दोस्तों ये जरूर था, यदि आपको आर्थिक विकास करना है तो निम्न स्तर पर विकास करने के लिए आपको पावर को शेयर करना पड़ेगा। और 73वां और 74वां संविधान संशोधन में हमने पावर को शेयर कर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों को पावर सौंप दी कि आप अपने लेवल पर विकास खुद करो, हम आपको फंड देंगे, सुविधा देंगे, विकास आप खुद करो। तो ऑब्वियसली हर पंचायत की, हर इलाके की, हर ग्रामीण क्षेत्र की अलग अलग जरूरत है, अलग अलग डिमांड होंगी, तो उसी आधार पर वो नीतियां बनाएं। इसलिए उनको 73वां और 74वां संविधान संशोधन के लिए सत्ता सौंप दी थी, ठीक है। और इसी दौरान सरकार के द्वारा मुख्य रूप से और भी प्रयास किए गए थे। अगर इस दौरान हम करें, इस दौरान भारत सरकार द्वारा सेबी, क्योंकि आपको पता है विदेशी, हमने विदेशी सुधार किए गए थे, हमारे यहाँ विदेशी जो कंपनी आई शेयर मार्केट में जुड़ी, तो सेबी जो शेयर मार्केट को रेगुलेटिंग करने वाली अथॉरिटी है उसको शक्तिशाली बनाने हेतु सेबी एक्ट 1952 भी लाया गया, ताकि उसको कानूनी दर्जा दिया गया। इस आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। और इस दौरान जब आर्थिक सुधार किए गए थे तो हमारे यहाँ विकास का जो नेहरू वाला मॉडल है वो हट करके एक नया मॉडल आया, आर्थिक विकास का मनमोहन, नरसिम्हन, मनमोहन राव मॉडल, या राम मनमोहन मॉडल, या राव मनमोहन मॉडल, ये मॉडल नया आया था। और जो नेहरू जी के और टाइम का जो मॉडल था, नेहरू और महानिवलस, उन मॉडल को धीरे धीरे इसमें हटा दिया गया। अब इसमें क्या है, इन मॉडल के अंतर्गत मुख्य फोकस था कि जो नए आर्थिक सुधार किए गए उन पर। और आपको पता है 1991 की मैं बात करता हूँ तो मनमोहन सिंह उस समय हमारे क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, और राव पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों ने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। और इन नया मॉडल के अंतर्गत इन्होंने बोला कि एक पहला, इस नए मॉडल की पहली चीज थी कि हमें आर्थिक प्रबंधन में
राज्य की भूमिका को यानी कि जो आर्थिक मॉडल है, यानी कि राज्य की भूमिका को पूर्ण करने का मतलब है कि अब तक जो हमारी आर्थिक नीतियों के निर्धारण में राज्य की भूमिका रही, राज्य नीतियों का निर्धारण करता था, सार्वजनिक उद्योग बहुत ज्यादा थे, राज्य की खुद की इंडस्ट्री थी, तो बोला है कि राज्य इन कामों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो राज्य जब करेगा तो इनमें जनकल्याण के हिसाब से करेगा, और इकोनॉमी हमेशा जनकल्याण के हिसाब से नहीं, क्योंकि इकोनॉमी रोजगार और मार्केट के आधार पर चलती है। अगर इकोनॉमी मार्केट रहेगा तभी इकोनॉमी सस्टेन करेगी, इसलिए राज्य की भूमिका को क्या किया गया, बदलने की बात करी। और राज्य को अभी तक शक्तिशाली बनाने के शक्तिशाली अभी तक राज्य इंडस्ट्री के स्थान पर बोला कि राज्य की भूमिका है उसको सीमित करना चाहिए, और राज्य केवल एक ढांचा प्रोवाइड करवाएगा बल्कि काम तो प्राइवेट सेक्टर ही है। तो राज्य की भूमिका बदलने पर इन्होंने फोकस किया आर्थिक क्षेत्रों में, ठीक है, ये चीज इसकी बात है। दूसरी बात इसने बोली कि निवेश को अगर हमें बढ़ाना है को बढ़ाना है तो हमें उदारतापूर्ण नीति अपनानी पड़ेगी। अपनानी चाहिए, क्योंकि तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर को आप लाना चाहते हैं, उनका निवेश बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको सुविधा दो, उनको कंट्रोल मत करो। उदारतापूर्ण नीति में है कि उनको कानून मतलब ईज ऑफ डूइंग, इसका मतलब आप समझ गए होंगे नॉर्मली। इस पे फोकस करो, वो व्यापार वो इंडस्ट्री आसानी से लगा सके, इंडस्ट्री के लिए जो कानून है उनको थोड़ा आराम कर दो, उनको जो विभिन्न प्रकार की परमिशंस लेनी पड़ती है उनमें थोड़ा उनको रिलैक्स दो, है ना। इस प्रकार उदारतापूर्ण नीति है उस पर अड़ाने पर इन्होंने पूरा फोकस किया, और जो सरकार का कंट्रोल था उस कंट्रोल को कम कर दिया। तो हम आर्थिक सुधारों के अंतर्गत देखेंगे, ये तो मैं पंचवर्षीय योजना में टॉपिक आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। इन्होंने तीसरा अगर इनको तीसरा मेन कारण अगर तीसरा फोकस किया था वो आप देखो, तीसरा इन्होंने बोला कि बेहतर उत्पादकता के लिए हमें क्या होगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी। प्रतिस्पर्धा क्या है, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों से क्योंकि अब तक 1990 तक हमारे ज्यादातर कंपनी सरकारी थी। अब सरकारी कंपनी को कोई चाहे वो बीएसएनएल था चाहे मतलब कोई भी कंपनी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जैसी सरकार सेवा दे रही है लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था तो उस कंपनी से सरकार लोगों को खरीदना पड़ रहा था। लेकिन इससे यह है कि प्रतिस्पर्धा नहीं थी उनको, और जब आपको कंपटीशन नहीं होता ना तो आप अपने आप में सुधार नहीं करते। तो इन्होंने बोला कि इनको कंपटीशन दे दो, मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आओ, जैसे पहले बीएसएनएल थी आज जियो को भी लेके आओ, एयरटेल को ले आओ, वोडाफोन को लेके आओ, अपने आप बीएसएनएल भी सुधार करने लग जाए, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाओ। तो इन्होंने प्रतिस्पर्धा पर पूरा फोकस किया था, और इसके लिए हमने तीन चीज अपनाई थी, एल पी और जी, इनको आप जानते हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा इसमें बहुत सारी चीजें की गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया, 1991 में सुधार किया गया था, जिसे हम राव मनमोहन सिंह विकास मॉडल बोलते हैं, ये काफी हद तक हमारा सफल रहा और बहुत ज्यादा चीजें इसने हमारे लिए अचीवमेंट करी। और इसके बाद हमारा एक नया मॉडल आया था, सांकेतिक योजना के मॉडल, इसको बोलते हैं हम सांकेतिक योजना। अभी तक हम पढ़ते नियोजित विकास मॉडल, अब आ गया सांकेतिक। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लो, इसमें क्या था, नियोजित में लक्ष्य का निर्धारण एवं अचीव एवं उपलब्ध उनको प्राप्त करना का कार्य, लक्ष्य का निर्धारण करना और उनको प्राप्त करने का कार्य केवल राज्य का था, यानी कि सरकार का था, सरकारी काम करती थी, लक्ष्य निर्धारित करी थी, इंडस्ट्री भी उसकी, सब चीज उसी की थी। तो लक्ष्य को निर्धारण और उनको प्राप्त करने का कार्य केवल सरकार का था, है ना, और सरकार नियंत्रण की भूमिका निभाती थी, जो भी प्राइवेट सेक्टर था उसको नियंत्रण करती थी, तो सरकार नियंत्रण की भूमिका निभाती, ठीक है। सांकेतिक योजना के अंतर्गत क्या था कि लक्ष्य है, लक्ष्यों का निर्धारण है वो राज्य सरकार एवं निजी भागीदारी से होगा, ये हो सकता है कि हाँ लक्ष्यों का निर्धारण तो सरकार कर सकती है, लक्ष्यों का निर्धारण सरकार कर सकती है, परंतु
इनकी प्राप्ति में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका रही, परंतु इनकी प्राप्ति निजी क्षेत्र एवं सरकार दोनों की रहेगी, और सरकार सहायक की भूमिका निभाएगी। और सहायक का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, सरकार अवसंरचना को प्रोवाइड करवाएगी, सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। और आप देख सकते हैं आज हम निजी क्षेत्र के लिए बहुत सारी चीजें फ्री में देते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो अब हमारा जो मॉडल है वो सांकेतिक मुद्रा का मॉडल है, और इसमें सरकार द्वारा सहायक की भूमिका कैसे निभाती है, तो सरकार सहायता देती है। कैसे? देखो, एक तो टैक्स को लेकर के टैक्स में दे देगी, एक ऋण में दे देगी, इनमें क्या दे देगी, छूट दे देगी टैक्स में ऋण में। इसके अलावा व्यापार में, निवेश में, इनमें जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को सरल बनाएगी, है ना। इसके अलावा सरकार ईज और डूइंग पे काम करेगी। तो ये हमने किया गया था, नया चेंजेस किया गया था, और नए चेंजेस से जो हमारा जो पहले नियोजित हमारा मॉडल था जिसमें सरकार की भूमिका, दोस्तों यहां पर सरकार की भूमिका निर्देश देती थी, राज्य की भूमिका निर्देशात्मक थी, तो निर्देश के रूप में इसमें भूमिका के रूप में रोल निभाती थी। तो इस आधार पर ये पंचवर्षीय योजना, ये जो हमारा मॉडल है वो चेंज हुआ, अब सांकेतिक योजना के रूप में आ गया। और सांकेतिक योजना का मतलब है कि सरकार लक्ष्य निर्धारित कर रही है, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ रही है, विदेशी निवेश का भागीदारी बढ़ रही है, और सरकार उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक हम आज ही रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा है। तो इसमें हम क्या है, अभी हमारी 8 पंचवर्षीय योजना हुई है, अभी हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना, 4 तो पंचवर्षीय योजना रही है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका मूल्यांकन, इन पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन करेंगे कि योजनाएं कितनी सफल रही, कितना क्या कमी रह गई, और उसके बाद हम नीति आयोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाएगा। तो अभी तक हम पंचवर्षीय योजनाओं के बाद एक अगला टॉपिक नीति आयोग जाएंगे, और अब हम थोड़े से वीडियो को रिपीटेशन ज़्यादा करेंगे, मतलब रिपीटेशन नहीं, उनको अपलोड ज़्यादा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप अच्छे से देखें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और दोस्तों ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, और ध्यान रखना इस PDF को आप तभी समझ पाओगे जब आप वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने हालांकि काफ़ी साफ लिखा है, लेकिन आपको पता है पढ़ाते टाइम बहुत तेज स्पीड से लिखना पड़ता है, तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं बैठती, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बना करके शेयर किए जा रहे हैं, इन नोट्सों को पढ़ोगे। और इसके अलावा आपको एक किताब मैंने बताई थी, वो किताब आप अच्छे से देख सकते हैं, उस किताब के लेखक है श्रीराम श्रीरंगम। तो इस बुक के साथ जैसे ये टॉपिक पढ़ेंगे उस बुक में भी एक बार आप पढ़ लेना, ताकि आपका टॉपिक परफेक्ट हो जाए, ठीक है। ये टॉपिक क्या है कि हमने आपके साथ जो नोट शेयर किए थे उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं था, इसलिए हम इसको अलग से लेके आए। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट अगर आपके पास रह गए तो उस डाउट को आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।